नमस्कार बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत। कल हम कर रहे थे धातु रूप, ठीक है। धातु रूप हमने किए और उसके हमने केवल तीन लकार किए थे, लट लकार वर्तमान काल, ललित लकार भविष्य काल और लंग लकार भूत काल। मुझे लगता है कि ये तीन लकार आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज हम करेंगे इसका लोट लकार, ठीक है। कौन सा लकार करेंगे? लोट लकार। अब लोट लकार के सबसे पहले हमें प्रत्यय याद होने चाहिए। क्या क्या प्रत्यय हैं? तू, ताम, अंतु। तू, ताम, अंतु, ठीक है। वैसे तो यहाँ प्रत्यय अतु, अताम, अंतु है, अतु, लेकिन अ कहाँ जाएगा? जब धातु का ये द का जो हलंत है ये यहाँ आएगा तो द में अ मिल जाएगा, तो हम यहाँ द हलंत ना करके अ जोड़कर लिख देंगे। लेकिन बच्चे अक्सर इसमें गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए हम केवल इतना ही याद रखेंगे हमें धातु के साथ क्या जोड़ना है। तो ता अंतु यहाँ है अ, अ है तो कहाँ मिल जाएगा? खाद के द में, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ और कुछ नहीं लिखना है। तम, त, अम, आव, आम, तू, ताम, अंतु, खाली तम, त, अम, आव, आम, ठीक है। एक बात और ध्यान रखोगे, लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं आती। लोट लकार में ध्यान रखोगे कहीं भी विसर्ग नहीं आएगी। अब हमने क्या करना है? हमने लोट लकार में केवल क्या जोड़ना है? धातु, खाद। मैंने यहाँ तक पूरा क्यों लिखा? क्योंकि जो यहाँ अतु प्रत्यय था, अतु का अ इसमें जोड़ दिया। उसके बाद खाद, ताम, द पूरा लिखा है क्योंकि इसमें अ जुड़ गया है, ठीक है। अब खाद अंतु, खाद, खाद तम, खाद, खाद, आनी, 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 आव, आम, आनी, आव, आम, ठीक है। एक बार फिर देखेंगे, पूरा लगातार पढ़ेंगे हम। खादतु, खादतां, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम, खादानी, खादाव, खादाम। अब लोट लकार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रत्यय याद करने हैं। प्रत्यय जब याद हो जाएंगे तो हम खाद धातु इसके आगे जोड़ देंगे। अब लोट लकार जो होता है वो आदेश के लिए होता है। जब किसी को आज्ञा देनी हो, आदेश देना हो, तो वो होता है लोट लकार का प्रयोग उसमें। अब करेंगे विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में जहाँ संभावना होती है, जहाँ संभावना होती है और जहाँ चाहिए अर्थ होता है, वहाँ हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। विधिलिंग लकार के प्रत्यय होते हैं एत, एताम, एयू। समझ आ गया? एत, एताम, एयू। जब हम इसके आगे खाद जोड़ेंगे, खाद, द में ए मिल जाएगा, द में ए मिल जाएगा, दे हो जाएगा, खा, दे, पीछे क्या जोड़ेंगे? त, खादेत। समझ आ गया?
खादेत, ऐसे ही जब एतान में खार जोड़ेंगे द में ए मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, खादे ताम। समझ आ गया आपको मैंने कैसे करवाया है? ध्यान रखेंगे आप इस चीज का, इसके प्रत्यय क्या होते हैं, एत एताम एयू, एत एताम एयू और ए एतम एत एयम एव एम। समझ आ गया? अब देखिए हमने क्या जोड़ना है इसके सामने, द में ए जोड़कर खा दे, क्या जोड़ना है इसके सामने, खा दे। क्यों खा दे क्यों आया यहाँ, एक प्रत्यय था, एक का ए द में आकर मिल गया तो हम लिखेंगे इसको खा दे। सबके सामने हमने क्या जोड़ना है, खा दे, इसके अलावा तो कुछ भी जोड़ रही ना, खा दे, ठीक है, खा दे, खा दे, खा दे, खा दे, खा दे, खा दे। समझ आ गया सबको? अब हम इसका पूरा रूप पढ़ेंगे, खादेत खादेताम खादेयू, खादे खादेतम खादेत खादेयम खादेव खादेम, खादे खादेताम खादेयू, खादे खादेतम खादे खादेयम खादेव खादेम। आप सबको ये लग लकार लोट लकार विधि लिंग लकार समझ आ गए होंगे, मैंने आपको करवाए हैं पांच लकार, ये पांच लकार सभी धातुओं के, अब धातु में कौन कौन सी, जिसमें हमारी है हमारी धातु हैं पठ धाव गम, पठ धाव गम और खाद धातु मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे करवा दी है, तो खाद के अलावा पठ धाव गम ये तीन धातुएं भी कैसे लिखोगे, पांचों लकार लिखोगे अपनी उत्तर अभ्यास पुस्तिका में। गम धातु ध्यान रखना, गम धातु चेंज होती है गच्छ में, किसमें चेंज होती है गच्छ में, और कौन कौन से लकार में चेंज होगी, लट लकार में चेंज होगी, उसके बाद लोट लकार में होगी, उसके बाद विधि लिंग लकार में होगी, लंग लकार में भी होगी, ठीक है, इस लकार में नहीं होगी, लरिट लकार में, लरिट लकार में गमिष्यति गमिष्यते रहेगा, पहले लट लकार देखते हैं, ये थोड़ी परिवर्तन वाली धातु है, इसको हम सुन लेते हैं एक बार फिर आपको समझ आ जाएगी, गम धातु का लट लकार, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, लरिट लकार में गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। इसके बाद लंग लकार अगच्छत, धातु से पहले अ जोड़ना है, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। इसके बाद है लोट लकार, गम धातु गच्छ में ही चेंज होगी, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम
गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। उसके बाद विधि लिंग लकार, गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। समझ आ गया? गम केवल लरिट लकार में ही रहेगा, बाकी सब जगह गच्छ में परिवर्तन हो जाएगा। आज के लिए हम इतनी ही धातु करेंगे। एक धातु आपको समझ आ गई, प्रत्यय सबके वही हैं, तो आपने पठ, भाव, गम ये चार धातु में अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखनी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।